स्प्रे हो गया बिल्कुल क्लीन एकदम बढ़िया एकदम। थोड़ा सा सपोर्ट करते रहना ताकि लोग अच्छे अच्छे बनाते रहे, जो अच्छा लगे कमेंट करके बताना। कैसी चल रही है? पहले से स्मूथ है। सैपी ड्यूटी लेके आया है जिसका सर्विस का काम करेगा सैपी का। सही है बाइक चलने में। फिर से करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। आज करेंगे कुछ खास। आज क्या करने जा रहे हैं? GT650 की सर्विस। उसमें है बहुत सारा काम, नया सीखने को बहुत कुछ मिलता है हमें भी और आपको सिखाने को मिलता है, आपको दिखाने को मिलता है। जो कल रात को आई थी 650 सैपी लेके आया था उसकी सर्विस करेंगे। तो चलते हैं फटाफट से शॉप पे। हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहना ताकि ब्लॉग अच्छे अच्छे बनाते रहें। जो अच्छा लगे कमेंट करके बताना, जो बुरा लगे वो भी बताना, आपने बताना जरूर है और उसको धीरे धीरे सुधारेंगे। एक साल हो गया ब्लॉग नहीं डाला। तो चलो चलते हैं फटाफट से शॉप पे। चले चलो फटाफट शूज पहन लेते हैं। तो रेडी हो गए, शूज पहन लिए, फटाफट चलते हैं शॉप पर। यारी अपनी GT650 जो हम रात को लेके आए थे इसको करते हैं सर्विस। अभी खोलते हैं, खोले फिर चलो इसकी थ्रॉटल बॉडी निकालेंगे, वो क्लीन करेंगे, मिसिंग करती है वो इशू दूर हो जाएगा। ये ऑयल फिल्टर है इसका, ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे, इंजन ऑयल चेंज करेंगे और चेन मेन ब्रेके व्रेके चेक करके, हाँ ये भी रिमूव करना है, कस्टमर की डिमांड है। तो इसको करते हैं फटाफट से और आपको दिखाते हैं काम। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। इसमें एक बेनिफिट है, मेन स्टैंड भी है। क्या बात है, ये फायदा हो गया, नहीं तो सर्विस के लिए पैडॉक लगाना पड़ता है। ये तो गंदा ही है, अभी हमने ऐसी ट्रे चमकाई है। तो सोच रहा था साफ ऑयल निकलेगा, भाई साहब इसका तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। ये है कि सेकंड हैंड खरीदो ना बाइक तो सर्विस करा लेनी चाहिए लेने के बाद। सही बात है ना साहिब? तो ये हो रहा है ऑयल फिल्टर रिमूव। अभी ये भी देखते हैं कितना गंदा हो रहा होगा अंदर से। ये देखो काफी गंदा हो रहा है भाई ऑयल फिल्टर। तो करते हैं इसको चेंज। ये दोनों खुलेंगे, एक ये नीचे, ये ऊपर स्क्रू है, ये रहा अंदर, एक ये रहा ऐसे उधर है दोनों। ये इंजेक्टर की वायर है, एक फ्यूल पाइप होगा वो उतारेंगे, उसके बाद थ्रॉटल बॉडी बाहर। फ्यूल टैंक इसका रिमूव हो चुका है और अब करेंगे इसकी थ्रॉटल बॉडी को रिमूव। इसका कवर खोल दिया मैंने, ऊपर का कवर रिमूव कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा पाउडर बना हुआ है इसकी थ्रॉटल बॉडी में। ये हो गया कवर रिमूव और इसका मड फ्लैप भी रिमूव कर दिया हमने। अब देखो कितनी प्यारी लग रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक था वो रिमूव कर दिया। इसकी थ्रॉटल बॉडी हमने रिमूव कर ली है, ये देखो कैसे कार्बन बना हुआ है अंदर, इधर भी दिख रहा होगा आपको इसमें। और ये देखो आगे से क्या हाल है इसका, थ्रॉटल बॉडी का बिल्कुल गंदी हुई पड़ी है, क्या हाल कर रखा है। तो बाइक मिसिंग नहीं करेगी तो और क्या करेगी।
इसको करते हैं क्लीन, रिमूव करके सारा सामान खोल के फिर आएगा मजा इसको चलाने का। तो नया फिल्टर आ चुका है, अब इसको करेंगे इसमें इंस्टॉल। इसके अंदर पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल फिल्टर इंस्टॉल हो चुका है एकदम फर्स्ट क्लास, उसमें ऑयल भी डाल दिया हमने। अब इसके अंदर इंजन ऑयल डालेंगे और टोटल बॉडी क्लीन करके लगाएंगे, चेन टाइट करेंगे, छोटे छोटे काम है वो करेंगे, फिर उसको चला के चेक करेंगे, कस्टमर को देंगे। तो ये हो गया बिल्कुल क्लीन, एकदम बढ़िया एकदम। अरे आप भी फिट इसको करो से फिर आएगा मजा बाइक चला के। इसकी थ्रोटल बॉडी कसनी बड़ी मुश्किल है, मतलब निकाल के रिमूव करो फिर डालो, डालनी तो बहुत ही मुश्किल है। क्यों साहब बहुत मुश्किल है? क्योंकि जगह कम दे रखी है, ये रबड़ फटने का डर है, ये रबड़ आगे वाली पीछे वाली सारा कुछ चेक करना पड़ता है। बस वो चलिए फटाफट से इसके इंजेक्टर लगाते हैं, फिर ऑयल डालते हैं, ऑयल डाल के काम करती डाल दे देसी घी इसमें डाल दो। पूरा ऊपर तक इसका होल का काम भी निपटा। क्या कर रहे हो? ब्रेक पैड डाल रहे हैं पीछे के, वो भी खत्म है। डाल दे डाल दो, ब्रेक बढ़िया हो जाएगी फिर। लो जी बिल्कुल खत्म। लाओ जी नए ब्रेक पैडल लाओ। टैंक भी फिट हो गया है, इंजन ऑयल भी डल गया है। अभी सीट लगाएंगे, ये लगाएंगे साइड पैनल, ब्रेक पैड डाल लें और इसकी चेन चेक कर लेंगे एक बार, उसके बाद बाइक को ट्राई मारेंगे। ये पुराना ब्रेक पैड है और नया देख लो लेदर कितना मोटा है ये देखो, और ये बिल्कुल खत्म। अब नए वाले डालेंगे और फिर रिपोर्ट हो जाएगी बाइक। जो एग्जॉस्ट लगे ना वो भी हमने फिट करे थे थोड़े दिन पहले, मतलब 10 दिन हो गए ना अभी, तो बहुत बढ़िया साउंड लगा। कमेंट करके बताना कैसा साउंड है, तो किसी ने करवाने हो तो यहाँ आ सकता है और हम लगाएंगे, बहुत बढ़िया। तो अभी एक उसमें बाइक में भी लगाए हैं, दूसरी वाली में जावा में भी। कैसी चल रही है? पहले से बहुत बढ़िया। मजा आ गया? आपका हाथ लग गया मस्त। सही है भाई, हमारा हाथ लगा तो मस्त होनी थी। कैसी लगी भाई सर्विस का काम, कैसा लगा बताना कमेंट करके। कैसी चल रही है? पहले से स्मूथ है, मजा आ गया ना? मजा आ गया।
चलो ध्यान रखना बाइक का, बढ़िया करके चलाना। तो अब घर आए हैं, डिनर विनर करने लगे हैं, बस डिनर करके उसके बाद वीडियो को करेंगे एडिट। अब धीरे धीरे रूटीन बनेगी ना रोज ब्लॉग डालने की। आप लोगों ने क्या करना है, सपोर्ट करना है, चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो, क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं कुछ अच्छा सा कंटेंट लेके। एक और बाइक का ब्लॉग बनाया हुआ है, वो भी आपको देखने को मिलेगा अपने यूट्यूब चैनल पे, डिम्पी आरडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना जाके। मिलते हैं कुछ अच्छा सा कंटेंट लेके। बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे, बाय बाय।